दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ एक्समेट की तरफ से आने वाला जोरो वायर्ड यूएसबी गेमिंग माउस के बारे में। दोस्तों ये कलरफुल गेमिंग माउस है और इसकी सबसे अच्छी खासियत है कि ये आपको डीपीआई स्विच करने का एक ऑप्शन देता है। मैंने आप लोगों को अर्लियर अपने एक वीडियो में बताया था कि डीपीआई क्या चीज़ होती है, अगर आपने नहीं देखा है तो मैं नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप देख लीजिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पल्लव, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द गैजेट वर्ल्ड के अंदर। तो दोस्तों ये है एक्समेट जोरो वायर्ड यूएसबी गेमिंग माउस। ये दो वेरिएंट में आता है दोस्तों, एक आपको मिलता है यूएसबी जो कि मेरे पास में अभी है और एक आपको मिलता है वायरलेस। तो दोस्तों मैंने वायर्ड माउस लिया क्योंकि वायर्ड जो माउस है उसमें आपको एक्चुअली जो डीपीआई का काम में लेने का जो आपको तरीका मिल जाता है वो आपको थोड़ा सा कम मिलता है अगर मैं आपसे कहूँ कि वायरलेस वाले में, क्योंकि उसमें सिग्नल ट्रांसमीटर रिसीवर के अंदर में जो फ्रीक्वेंसी है उसको कई बार वो एडॉप्ट करता है कई बार नहीं करता, बट वायर वाला जो ये अपने डीपीआई के अकॉर्डिंग आता है आपको 100% आउटपुट देता है। तो दोस्तों सबसे पहले इसकी जो स्पेसिफिकेशन है या इसकी जो की हाईलाइट है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये 6 कीज के साथ में आता है, यानी कि आपको एक स्क्रॉल, एक आपको व्हील चेंजिंग के लिए आपको मिल जाता है, आप लाइट्स इसमें चेंज कर सकते हैं, और दूसरा डीपीआई को आप स्विच कर सकते हैं, यानी कि आप इसको 1200, 1600, 3200 डीपीआई तक आप इसको लेके जा सकते हैं। और इसकी एक और खासियत है कि ये इसका जो करंट आपको इसमें मिलता है वर्किंग वो 5 mAh मिलता है, यानी कि आप और भी ज़्यादा तरीके से आप अपने माउस को जितना आप उसको कम उसको डायरेक्शन देंगे उतना ही फास्ट वो मूव करेगा। तो चलिए दोस्तों इसको ओपन करके देखते हैं इसमें क्या मिलता है। एक नॉर्मल सी आपको पैकिंग मिल जाती है, यानी कि एक आपको पॉलीथीन रैप करके आपको मिल जाता है, कुछ नहीं है सर, इसमें डायरेक्ट माउस आपको एक दिख जाता है, आई थिंक नॉर्मल ही आपको मिलेगा इसमें। जी हाँ कुछ नहीं है, एक जस्ट एक बॉक्स में आपको एक माउस और एक यूजर मैनुअल, आई थिंक ये इसके अंदर में आप लोग इसमें आपको दोस्तों एक और अच्छी खासियत है कि इसमें आपको वॉयलेट लाइट मिलती है, ब्लू पर्पल रेड, इन इसमें 4 लाइट्स का आपको कॉम्बिनेशन मिल जाता है। और देख लेकिन इसके स्पेसिफिकेशंस में दोस्तों आपको क्या है कि डीपीआई जो है आपको 800 भी मिलता है, यानी कि आप जो आपका नॉर्मल माउस की तरह भी आप इसको काम में ले सकते हैं। तो दोस्तों ये है एक वायर्ड माउस। दोस्तों इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, जो आप लोग देख पा रहे हैं पूरा स्टेनलेस स्टील का ये आपको माउस मिल जाता है साइड में, इसमें नंबर ऑफ 6 कीज इसके अंदर में दी गई हैं। दोस्तों इसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है दोस्तों, अगर आप देखेंगे तो आपको इसमें साइड में एक मतलब तीनों जगह पे आपको इसमें अच्छा एक ग्रिप मिलता है दोस्तों आपको इसको पकड़ने के लिए, और दूसरा SS का यूज़ किया है इसके साथ में, आपको इसमें 6 नंबर ऑफ कीज आपको इसके अंदर में मिल जाती है, यानी कि एक आप इससे राइट क्लिक लेफ्ट क्लिक स्क्रॉल अप डाउन 3 यहाँ पे होगी आपको DPI स्विच करने के लिए। अगर आपको ज़्यादा DPI चाहिए एकदम मतलब आप हल्का सा इसको मूव करें और आपको ज़्यादा परफॉर्मेंस मिले तो आप इसको अप कर दीजिए, और अगर आपको करना है कम DPI चाहिए आपको नॉर्मल माउस के लिए तो उसको आप डाउन कर सकते हैं। नीचे ये व्हील्स दिया हुआ है दोस्तों, ये व्हील्स कुछ नहीं जस्ट आपको एक इसमें लाइट मिली हुई है जिसको जब ये ग्लो होता है तो आप लोगों को बहुत ही शानदार एक व्यू मिलता है इसका। और दोस्तों बिल्ड क्वालिटी रियलिटी में इसकी बहुत बहुत बढ़िया है, यानी कि आपको नीचे भी देखिए अगर आपको मैं दिखाता हूँ तो इसमें पूरा मेटल का सरफेस मिलता है आपको, और ये 5 mAh आपको देता है, तो यानी कि ये टोटल 25 amps पे काम करता है, तो इसका जो परफॉर्मेंस है दोस्तों बहुत ही शानदार होने वाली है। तो मैं आपको अभी इसको एक बार जस्ट कनेक्ट करके आप लोगों को दिखा देता हूँ, उसके बाद में मैं आप लोगों को इसका रिव्यू भी दिखा दूंगा कि क्या वाकई में ये माउस एक 500 rupees के अंदर में आपको लेने का, अगर आप इसे खरीदते हैं तो ये वैल्यू फॉर मनी है या फिर जस्ट ये एक नाम के लिए दिया गया है कि आप इसको DPI आप इसको नॉर्मल एज ए नॉर्मल माउस भी आप इसको यूज में ले सकते हैं अगर आप अपने ऑफिस में यूज लेते हैं या आप अपने घरों में, और इसको यदि गेमिंग बनाना है तो इसकी आप DPI को आप हाई DPI पे एडजस्ट कर दीजिए, बहुत शानदार चलेगा। दोस्तों ये थी मेरी तरफ से आपको अनबॉक्सिंग एक्समेट जोरो वायर्ड USB गेमिंग माउस के बारे में। तो दोस्तों हाल फिलहाल में तो ये माउस बहुत ही अच्छा है और जिस हिसाब से मैंने जो अभी थोड़ी देर के लिए काम में लिया बहुत ही पावरफुल है इसको DPI चेंज करके भी, लेकिन मैं आपको इसका एक्चुअल रिव्यू आने वाले टाइम में मैं आप लोगों को इसका एक गेमिंग के साथ गेम खेलते हुए मैं आपको एक वीडियो बना करके दिखा देता हूँ कि अगर आप इसको एज ए नॉर्मल माउस आप काम में लेते हैं या फिर आप अगर मतलब क्योंकि इसमें सारे ऑप्शंस हैं
आप इसको नॉर्मल माउस डीपीआई 800 पे करके काम में ले सकते हैं, और यदि अगर आपको गेमिंग खेलना है तो इसको आप हाई डीपीआई कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि जो मैंने आप लोगों को ये वीडियो दिखाई आपको पसंद आई होगी। कुछ आपका कमेंट है, कुछ सवाल है तो नीचे कमेंट करके बताइए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर।